हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं उस चीज़ को जो मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, तो एक बात बताना मैं आपको भूल गया था कि आप जब रोलर को यूज़ करें उसके बाद उसको जो है वो अच्छी तरीके से वॉश ज़रूर करें, और वॉश करने के बाद ही उसका अगला इस्तेमाल करिए, क्योंकि वॉश अगर नहीं करेंगे तो उसमें जो है वो कलर भर जाएगा। आप इस टाइप से उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर दीजिए, ठीक है। अब जो है वो अगला हम जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसमें एक जो बहुत खूबसूरत आइडिया है उसको मैं जो है वो इसके ऊपर उतारूंगा कैनवास के ऊपर। देखिए, वाइट का तो मेन काम है, वाइट तो हर हालत में लगाना ही होता है। वाइट का अगर नहीं होगा ना तो वाइट नहीं होता, तो शायद आज पेंटिंग के लिए भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती। वाटर कलर में ऐसा है कि वाइट का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाकी उसमें तो हर हालत में वाइट को करना पड़ता। अब मैंने ये टर्किश ब्लू लिया है, ये देखिए, ठीक है, टर्किश ब्लू है, हो गया हमारे पास। अब ब्लू कलर ट्यूब में है तो हम ब्लू कलर भी ले रहे हैं, थोड़ा सा लेंगे यार, ये भी हो गया, ये भी ले लिया, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे तीन कलर, लेकिन अभी हमें एक कलर और लेना है इसमें, वो है हमारा एक्रेलिक पर्पल मॉव कलर। सॉरी, ये गिरने वाला था, बाल बाल बचा। इसको भी हम जो है वो नाइफ से ले लें, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हम ये भी कलर ले लिया, ये डार्क के साथ ही रखेंगे। डार्क कलर जो है ना वो अलग नहीं रखते, डार्क कलर के साथ ही रख देते। तो ये जो है हमारा कलर तैयार हो गया। अब मैं आपको आज रिटर्न भी बताऊंगा कि आपको बैक से भी आना है तो कैसे आना है। देखिए, अब जो है हम रोलर है हमारा बिल्कुल साफ़ और क्लीन, और अब हम इसको यहाँ से ये चला रहे हैं। अब हमें मिक्सिंग अगर करनी है इसमें, जब भी मिक्सिंग करने का आपके अंदर वो हो तो आप ज़रूर इसे वापसी चलाइए, ठीक है। आपको अगर मिक्सिंग में इसमें काम करना है, अब देखिए ये पेंटिंग तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो गई, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से दैट्स इनफ, और ये बहुत सुंदर पेंटिंग बनी है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अब मुझे तो आप लोगों को करना ही है हर हालत में। लेकिन अगर मैं होता यहाँ पर कि मैं अपने लिए पेंटिंग बना रहा होता तो शायद मैं इसे इसमें काम और नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें वाइट कलर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ। हाँ, ये चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो है इसमें वाइट ब्लैक डार्क कुछ भी आप बढ़ा सकते हैं तो आप ज़रूर बढ़ाइए हर हालत में। अब देखिए, मैंने इसमें बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको मिक्सिंग करनी है तो आप उसको रिटर्न लाइए, और आपको मिक्सिंग नहीं करनी है तो आप उसको सिंगल स्ट्रोक में ही कंप्लीट करिए, एक ही स्ट्रोक में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दैट्स इनफ, ये बहुत सुंदर बना है और बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसमें, अब कुछ ना कुछ तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा। वो मुझे इसका लिए डार्क कलर लगाना है, डार्क कलर, ठीक है। डार्क कलर से मैं जो है ना इसमें एक चीज़ क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने पर्पल लिया है और थोड़ा सा डार्क ब्लू लिया,
अब मैं इसको दोनों कलर मिलाने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी कश्ती बनाऊंगा। ये मेरा जो वो है इसमें आइडिया वो ये कि ये कश्ती जो है समुंदर के अंदर है, छोटी सी नाव है, कश्ती क्या है, छोटा सा नाव है ये। समुंदर के अंदर है ये, ठीक है फ्रेंड। ये यहाँ पर इसको नीचे लहरें भी दिखानी पड़ेंगी इसमें, थोड़ा सा बाद में वाइट भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो हमें काम करना है मेन, अब हमारी कश्ती तो बन गई, लेकिन हमें जो मेन काम करना है वो है इसको ये बहुत है आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी रस्सी भी आपको बनानी है, क्योंकि यहाँ पर शिप होती है ना उसमें ये रस्सी भी बांधी जाती है, ऐसे ये रस्सी बांधी यहाँ पर, ये भी बना देंगे, इसमें भी कर देंगे। ये शिप हमारी हो गई, अब हम इसमें फिगर ऐड करेंगे। फिगर के लिए करना कुछ नहीं है, बस इसमें धीरे से एक उसका बॉडी बना के और फेस को ऐड करना है, बस थोड़ी बॉडी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे करके हमें उसमें उसको बस इतना, ये सिंबल है। ये नाव को चलाने वाला चप्पू बोलते हैं इसे, ये एक हो गया। ये वो मछुआरे होते हैं, ये लोग जो पानी के अंदर मछली पकड़ने जाते हैं, ये उसका एक और साथी है। वो भी रोकने की कोशिश कर रहा है उसे लहरों में से, इसके पास भी चप्पू है, ये चला रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वाइट कलर का यूज करेंगे, ये हमारा नाव का पूरा वो बन गया। अब इसमें हम जो है और दो चार रस्सियाँ इसमें जोड़ देंगे। रस्सी एक्चुअली जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, वो उसको नाव को जो है इधर से उधर बांधने के लिए। अच्छा, इसमें अब हम रेड कलर कहाँ लगाएंगे, ये देखिए रेड कलर एक ही जगह है लगाने की, बस अभी एक छोटी सी नाव और बनाएंगे, ये छोटी सी यहाँ पर, क्योंकि वो सिंगल नाव जो है ना वो थोड़ी सी खर लगी, एक और बना देंगे छोटी छोटी सी। ये भी हमने नाव बना दी इसमें भी, और हम जो है
इसमें भी आदमी बिठा देंगे, इसमें भी बिठा देंगे। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा सामने की नाव बनाएंगे। ये हमने सीन बनाया है, ऐसे समझिए कि तूफान जो है वो आने वाला है और यहाँ पर पानी पानी जो है वो बिखरा हुआ है, पानी पानी है और कुछ है। ये थोड़ा सा वाइट लगा के ये यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमें जो है अभी इसमें एक रेड कलर का भी यूज़ करना है और वाइट कलर का भी। ये बहुत सुंदर पेंटिंग है, बहुत सुंदर बनी है। अब हम इसमें रेड कलर का यूज़ करके दिखाएंगे कि रेड कलर को हम कैसे कैसे इसमें हम बंद लगा सकते हैं। कुछ सोचा आप लोगों ने कहाँ लगा सकते हैं? नहीं सोचा तो देखिए, ये हम झंडा बनाने के लिए यहाँ झंडा, ये ज़रूरी होता है क्योंकि इनको रेड कलर को झंडे को दूर से देखा जा सकता है, इसके लिए जो है वो झंडा बनाना ही पड़ता है, लगाना ही पड़ता है। इसमें पहले लगाते तो हो सकता है अब ना लगाते हो, लेकिन है मस्ट। ये हो गया। अब इसके हम कंधे पे भी थोड़ा सा रेड कलर लगा देंगे, इसकी पगड़ी पे भी हम रेड कलर लगा देंगे। ओके फ्रेंड, तो ये आपको ये लगा कि कुछ जो है वो समझ में आया आपकी में, आपने देखा इसे। अब एक काम छोटा सा और रह गया है कि यहाँ पर ना ये रस्सी बंधी होती है नाव में, यहाँ पर ऐसे ये हमने रस्सी भी बांध दी। ओके फ्रेंड, देखिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ पास से कि ये देखिए नाव है और ये छोटी वाली नाव है। ये सारा कुछ जो है पेंटिंग टेक्चर बहुत अच्छा आया है इसमें, इसकी मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। और भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको जो है इससे भी इजी के लिए कुछ हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा। और इसमें बस आपको बुद्ध की पेंटिंग मुझे बनानी है, वो फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले बनाई नहीं है। हो सकता है कि मैं इसको अपने सब्जेक्ट में शामिल करूं और बुद्ध की पेंटिंग को जो है मैं बड़ी पेंटिंग्स भी इसको बनाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अब जो है ना एक काम आपको ज़रूर करना है कि अपने रोलर को जो आप परचेज़ कर लेंगे, अमेज़ोन से भी मिलेगा और शॉप पे भी मिलता है, वो आप परचेज़ करके और उसको यूज़ करेंगे और उसको वॉश ज़रूर करेंगे। देखिए ये इस टाइम इसकी कंडीशन ये है, ठीक है, तो आप इसको वॉश जब तक करेंगे नहीं, इसमें से आपको कलर अगर निकालना है तो कलर भी निकाल सकते हैं, ऐसे काफ़ी कलर वेस्ट होता है इसमें, इस टाइप से कलर निकाल सकते हैं। अब इसका करूँगा क्या ये पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने निकाल दिया क्योंकि कलर वेस्ट होता है तो मुझे भी दुख होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप जो है वो बेल ऑल के लिए बेल ज़रूर दबा दीजिए कि आपको जो है मैं हमेशा सारी वीडियोस जो हैं आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, ओके थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।